हेलो दोस्तों, डे नंबर 1900 सीरीज चल रही है। इस वीडियो में हम डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे। जो डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन होगा वो तो बुक से आपको मिल जाएगा, लेकिन उस बुक के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पार्ट से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में शायद केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, या एमसीक्यू के फॉर्म में, या असर्शन रीजन, तो वो कौन से पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था वो डिस्कस करते हैं। इट वॉज डिसाइडेड ऑन द 8th नवंबर, पहली बात तो याद रख लो डेट, 8th नवंबर 2016 को ये डिसाइड हुआ। इट वॉज डिसाइडेड टू डीमोनेटाइज हाई वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स ऑफ 500 and 1000। तो उस समय ये डिसाइड हुआ था कि 8 नवंबर 2016 से 500 और 1000 के जो नोट है हाई डिनोमिनेशन, उनकी जो लीगल टेंडरशिप है उसको हम लोग खत्म कर देंगे। मतलब उस दिन से 500 और 1000 जो उस समय रेगुलेशन में थे या चल रहे थे मार्केट में या लोगों के घर में थे, तो वो 500 और 1000 के नोट उस दिन से उनका लीगल टेंडर खत्म हो गया। अब वो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, ना तो इलीगली एक्सेप्टेबल है ना तो लीगली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो नोट की क्या बोल सकते हैं, उनकी इज्जत ही इंडियन गवर्नमेंट ने मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म कर दी कि अब ये 500 और 1000 के नोट काम के नहीं है। तो सर, अगर 500 हजार के नोट काम के नहीं है तो मेरे घर में जो इतना सारा कैश पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली गवर्नमेंट वही चाहती थी कि जो आप ब्लैक मनी के फॉर्म में या एक्स्ट्रा पैसा घर में सेफ करके रखे हो, या ऐसे अनअकाउंटेड कैश है जिसकी अकाउंट्स में एंट्री नहीं हुई है क्योंकि आप टैक्स नहीं देना चाह रहे हो, वो सारे पैसे को मैं क्या करूं सर? तो कुछ नहीं, आपको बैंक में जाके उसे डिपॉजिट करना पड़ेगा। और सर, अगर मैं उसको डिपॉजिट करूंगा तो क्या मुझे नए नोट मिलेंगे? हाँ बिल्कुल मिलेंगे। देखो क्या लिखा है, इट इज एक्ट ऑफ रिमूविंग करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। अब उसका स्टेटस एज ए लीगल टेंडर खत्म हो गया। मतलब आप अगर उसको दुकान में ले जाओगे, भैया ये 500 रुपए का मुझे एक मैगी दे दो, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका लीगल टेंडर, अब वो सिर्फ कागज है, वो एक सिर्फ कागज है, पहले वो करेंसी हुआ करता था, अब वो सिर्फ कागज है नाम मात्र का। एम क्या था, ये क्यों किया गया? कर्व मतलब होता है खत्म करना या उसे पकड़ लेना, करप्शन को खत्म करना है। स्टॉप द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन मतलब 500 और 1000 नोट्स काहे के लिए, फॉर इलीगल एक्टिविटी एंड फॉर ब्लैक मनी। अब भैया देखो, अगर आप किसी को इलीगल एक्टिविटी के लिए पे करोगे तो क्या ऑनलाइन पे करोगे? क्या आप उसको कैसे पे करोगे? कैश में। कैश में इसलिए पे करोगे क्योंकि वो अनअकाउंटेड हो गया। तो गवर्नमेंट को पता चला कि इलीगल एक्टिविटी के लिए कैश ट्रांजेक्शन बहुत हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं, 500 और 1000 के नोट को कैंसिल कर देते हैं। तो ये जितनी भी लीगल एक्टिविटी हो रही है वो कैश में हो नहीं पाएगी। अब कैश में नहीं हो पाएगी तो ऑनलाइन तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो ट्रेल आ जाएगा, उसका अपने को एविडेंस मिल जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी लोग अनअकाउंटेड कैश घर में रखे हैं, इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं, ब्लैक मनी के फॉर्म में रखे, ये सब बंद करा जाए, 500 और 1000 के नोट को कैंसिल कर देते हैं। अब देखो क्या हुआ, डिस्कस करते हैं कुछ फीचर है डीमोनेटाइजेशन के जो अपने को याद रखना है। सबसे पहला, कैश होल्डिंग अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम, डिक्लेयर्ड इनकम वॉज रेडिली डिपॉजिटेड इन बैंक। सबसे पहले ये जो कैश जो आपके पास अनअकाउंटेड है ना, उसको आपको नोट को एक्सचेंज करना है, तो एक्सचेंज करने के लिए आपको पहले बैंक जाना पड़ेगा। तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिपॉजिट करो एंड एक्सचेंज फॉर न्यू नोट्स। लेकिन एक दिक्कत है, क्योंकि ये अनअकाउंटेड है, ये अनअकाउंटेड है, इसका मतलब ये टैक्स रिजीम से या प्रोसेस से ये अभी तक बचा हुआ है। अब ये बचा हुआ है तो इस पे तो गवर्नमेंट आपसे क्या लेगी? टैक्स लेगी, प्लस इतने साल का जो टैक्स आप नहीं पे किए हो तो आपसे लेंगे हम लोग क्या दोस्तों? पेनाल्टी। दूसरा, ये डीमोनेटाइजेशन करके गवर्नमेंट इतना बड़ा स्टेप लिया, ये लिया कि हम टैक्स इवेजन टॉलरेट नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते। दिस प्रोसेस लेड टू द चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। आप घर में पैसा रखे हो तो हम चाह रहे हैं उस पैसे को आप बैंक में डालो, क्योंकि आप घर में पैसे रखे हो तो वो ब्लैक मनी के लिए यूज हो सकता है, वो पैसा into 2 into 4 नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज उस पैसे को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में डालो। देखो इसका जो इंपैक्ट हुआ ना, इसका इंपैक्ट ये हुआ कि बैंक डिपॉजिट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब लोग फाइनेंशियल सेविंग बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को अब वो घर में पैसा नहीं रख सकते, आपको उसे कहां जमा करना पड़ेगा? फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में।
इट एम्स टू क्रिएट अ लेस कैश एंड कैश लाइट इकोनॉमी। क्योंकि देखो आपका जो कैश घर में जमा है वो काम का नहीं रहा, क्योंकि वो तो 500,000 के नोट खराब हो गए। वो पैसा आपको कहां जमा करना पड़ेगा? बैंक में। अब बैंक में जमा करना पड़ेगा मतलब वो ट्रांजेक्शन हो गया ई ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि बैंक टू बैंक अगर आपको पेमेंट करना है तो वो लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी हो गई। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि हमारे कंट्री में डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ गए, और डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ गए इसका मतलब फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से अब आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। क्यों? अब ध्यान से समझो, आपको अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन करना है तो आपके पास मोबाइल इंटरनेट तो है, लेकिन आपको एक ऐसा सेविंग अकाउंट चाहिए जो ई मनी या ई ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको अलाउ करे, और ये वो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। तो दो ध्यान से समझो क्या लिखा है। अगर लेस कैश और कैश लाइट में जाना है तो आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन चाहिए, और डिजिटल ट्रांजेक्शन तभी हो पाएगा जब आप फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से अपने आप को कनेक्ट करोगे। मतलब आप अपना पैसा कहां जमा करोगे? फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में। अब डिस्कस करते हैं इंपैक्ट। डिक्लाइन हुआ दोस्तों कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा ये इंक्रीज क्या हो गया, लोगों ने अपना पैसा बैंकिंग जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है उसमें जमा करना चालू किया, इससे फाइनेंशियल सेविंग लोगों की बढ़ गई। प्राइवेट वेल्थ कम हो गई। क्यों? ध्यान से समझो, प्राइवेट वेल्थ क्यों कम हो गई? लोगों को डर था कि अगर हम ध्यान से समझो, पेनाल्टी के चक्कर में लोगों ने जो कैश था वो डिपॉजिट ही नहीं किया। क्यों नहीं डिपॉजिट किया? क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम लोग कैश डिपॉजिट कर दिए, जो इतना सारा हमने प्राइवेट वेल्थ जमा किया है घर में, उसके ऊपर बहुत सारा पेनल्टी लग जाएगा और बहुत सारा क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। इससे बचने के लिए लोगों ने कैश डिपॉजिट ही नहीं किया, तो उनके पास जो प्राइवेट वेल्थ जो कैश पड़ा हुआ है वो कोई काम का नहीं, जिसके कारण उनकी प्राइवेट वेल्थ क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। डिजिटाइजेशन आ गया, इट हैज इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ ई वॉलेट्स, मतलब अब ई ट्रांजेक्शन बढ़ गए हैं, और एट द सेम टाइम राइज इन टैक्स कलेक्शन। इसलिए क्योंकि अब कंट्री में जितना भी अनअकाउंटेड कैश है अब वो कहां आ चुका है दोस्तों, वो आ चुका है बैंक्स में, और बैंक्स में आ गया इसका मतलब इनकम टैक्स को आपकी एक्चुअल इनकम के बारे में नॉलेज हो गया। किसके बारे में नॉलेज हो गया? एक्चुअल इनकम के बारे में। और अगर आपकी एक्चुअल इनकम डिस्क्लोज हो चुकी है तो अब आप नहीं बच सकते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इसका मतलब अब टैक्स कलेक्शन ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन बढ़ चुका है, क्योंकि अब लोग वॉलेंट्री क्या कर रहे हैं, वॉलेंट्री पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। ये खत्म होता है दोस्तों यहां पर डीमोनेटाइजेशन टॉपिक। अगला टॉपिक शुरू करते हैं इसी वीडियो का, जीएसटी। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक चलने वाला है उसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सुकान सर ने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया होगा, लेकिन मैं कुछ चीजें इन शॉर्ट जैसे ब्रीफिंग होती मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले कि जो जीएसटी वो पास कब किया गया था, याद रखना, ये आया था 29/3/17 को, और ये एक्ट इफेक्ट में कब आया? देखो बॉस, इफेक्ट में कब आया और पास कब हुआ, इन दोनों में डिफरेंस होता है। इफेक्ट में ये कब आया है? 1/7/2017 से, यानी कि ये आ तो चुका था। कब आया था? 29/3 को, मार्च में आ चुका था कि बॉस अब से जीएसटी शुरू होने वाला है। लेकिन इसका इफेक्ट यानी कि आज से जीएसटी हर चीज में लगेगा। पहले लगता था वैट, सीएसटी, ये सब चीजें लगा करती थी, लेकिन अब सिर्फ क्या लगने वाला था, 1/7 से क्या लगेगा आपके पास, जीएसटी लगने वाला है। तो बेसिकली जीएसटी क्या होता है, देखो समझते हैं। इट कॉम्प्रिहेंस मल्टी स्टेट। अब ये मल्टी स्टेज क्या होता है? मल्टी स्टेज का मतलब है, देखो पहले कोई भी एक माल होता है, फॉर एग्जांपल के रूप में ये आप ना लीजिए मार्कर को, ये मार्कर पहले रॉ मटेरियल एक प्लास्टिक के फॉर्म में रहा होगा, तो मैन्युफैक्चर हुआ होगा, तो इस पर कुछ टैक्स लगा। अब ये होलसेलर के पास आया होगा, फिर उसने अपने कुछ वैल्यू ऐड किया होगा, तो उसमें टैक्स लगा होगा। फिर ये रिटेलर के पास जाएगा, उसमें कोई चीज लेके आएगा, तो उसमें कुछ चीजें ऐड होंगी। तो वही चीज है, इट कॉम्प्रिहेंस मल्टी स्टेट डेस्टिनेशन बेस्ड, की भैया ये कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है। टैक्स इज लेविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन, जैसा मैंने बताया, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फिर जो कस्टमर के पास आएगा, इन सब चीजों में वो जो अपना प्रॉफिट ऐड कर देंगे। सीधी सी बात है, तुम बिजनेस करने बैठे हो, मैन्युफैक्चर बनाया 5 रुपए का, होलसेलर को बेचा उसने, फिर होलसेलर ने अपना कुछ प्रॉफिट ऐड किया 5 रुपए, फिर उसके बाद उसको बेचा 10 में, उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया, तो ये जो वैल्यू एडिशन हो रही है ना, उस पर आपका यहां पर क्या होता है, जीएसटी को लगाया जाता है। और बेसिकली इसका मोटो क्या था, वन नेशन वन टैक्स। अब आप जाके देखेंगे
आप भले मूवी टिकट ना लीजिए, आप अहमदाबाद में लीजिए, रायपुर में लीजिए, या कहीं पर भी लीजिए ऑल ओवर इंडिया में, वन नेशन वन टैक्स, वहां की जितनी भी टैक्सेशन है आपको वहां पर अपना जीएसटी लिखा हुआ मिलेगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारे पास ये है कि एक ना यूनिफाइड मार्केट इससे हमारे पास बनता है, यानी कि आप मैगी ऐसा नहीं होगा कि रायपुर में अगर 10 की मिल रही है तो मुंबई में जाएंगे तो वो 12 की मिलेगी। तो ये वाली चीजें है ना दोस्तों, होप्स आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। चलिए बैक टू सुकांत सर, टेक केयर। हेलो दोस्तों, निकू द ओजी के बाद अपन चालू करते हैं इसके बाद वाला जीएसटी का टॉपिक, वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट जीएसटी। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, इफेक्टिव टैक्सेशन एंश्योर दैट फंड्स आर फुलफिलिंग सोशल ऑब्जेक्टिव। जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो गवर्नमेंट सिर्फ जीएसटी के एप्लीकेबिलिटी पे ध्यान नहीं देगी, जीएसटी को कलेक्ट भी करना है। गवर्नमेंट को यह भी ध्यान रखना है कि जो जीएसटी कलेक्ट हो रहा है वो सही जगह पर, उन्हें इंश्योर करना है कि वो सही जगह पर खर्च भी हो, तो टैक्सेशन के कंप्लायंस के साथ साथ उसके यूसेज पर भी फोकस करना है। बाय एलिमिनेटिंग टैक्स ऑन टैक्स, जीएसटी एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले क्या होता था कि वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज, कस्टम, सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टैक्स लगते थे, तो कभी कभी ऐसा होता था वो टैक्स पे टैक्स होता था। ये हट गया तो भैया बिजनेस करने का टेंशन खत्म हो गया। क्यों टेंशन खत्म हो गया भैया? एट टैक्स है, सिंपल एट टैक्स है। जीएसटी हैज रिप्लेस्ड 17 इनडायरेक्ट टैक्स एंड 23 सेसेस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। 23 सेस हटाना और 17 इनडायरेक्ट टैक्स को हटाना मजाक नहीं है दोस्तों, कितना सारा कंप्लायंस आपको ध्यान देना होगा। लेकिन वन टैक्स वन नेशन या वन नेशन वन टैक्स के कारण ये जो 17 इनडायरेक्ट टैक्स का जो कंप्लायंस है ना, वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम हो गया। इसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होने लग गया, क्योंकि अब उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए फ्रेमवर्क और पॉलिसी इजी हो गई। क्यों? अभी भैया एक टैक्स अपने को देखना है तो ऑफिसर्स जीएसटी से रिलेटेड रहेंगे, ऐसा नहीं सेल्स टैक्स का बिल्डिंग अलग, सर्विस टैक्स का बिल्डिंग अलग, उसका कलेक्शन अलग हो रहा है, इसका कलेक्शन अलग हो रहा है, दोनों मैच नहीं खा रहे, वो अलग टेंशन, ये सब खत्म हो गया। द लास्ट डीलर इन सप्लाई चेन पासेज ऑन द एडेड जीएसटी टू द कंज्यूमर, मेकिंग जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन। क्या होता था, पहले जो सर्विस टैक्स था जीएसटी के, पहले बहुत सारे 17 इनडायरेक्ट टैक्स थे, तो सर्विस टैक्स पे लगता था सर्विस पे, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था वैल्यू एडिशन पे, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था सेल्स टैक्स पे, एक्साइज लगता था मैन्युफैक्चरिंग पे, तो अलग 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 एक्टिविटी पे टैक्स है। ये टैक्स हटा के, ये जो एक्टिविटी पे टैक्स लगा रहे थे इसको हटा के गवर्नमेंट ने इसे डेस्टिनेशन बेस्ड कर दिया। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब जो द लास्ट डीलर है, जो कस्टमर से मिलने वाला है, लास्ट डीलर मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, जो लास्ट डीलर होगा ना सप्लाई चेन का, जो कस्टमर को बेचने वाला है वो जीएसटी ऐड करेगा। इसका मतलब ये डेस्टिनेशन बेस्ड हो गया, जिसको मिलने वाला है लास्ट डीलर जो है वो लगाएगा जीएसटी, इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अब बात करते हैं सम फैक्ट्स अबाउट जीएसटी। वन सिंगल टैक्स अक्रॉस द कंट्री मेक्स गुड्स यूनिफॉर्मली प्राइस अक्रॉस द इंडिया। ऐसा नहीं है कि अलग अलग जो प्राइजेस अलग अलग स्टेट में होंगे, बट हाँ कुछ प्रोडक्ट पे जो प्राइजेस रहेंगे, कुछ प्रोडक्ट जैसे लग्जरी हो गया वो थोड़े बढ़ जाएंगे, या कुछ ऐसे गुड्स हैं जो डिपेंड करता है वहां के लोकल रिसोर्सेज पे, तो उसके तो प्राइस फ्लक्चुएट होंगे। लेकिन जीएसटी, क्योंकि अब हर लेवल पर जो जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है वो सेंट्रल लेवल से डिसाइड हो रहा है वो रेट, तो ऑलमोस्ट जो रेट्स रहेंगे जो गुड्स के, जो प्राइजेस रहेंगे वो ऑलमोस्ट यूनिफाइड रहेंगे। जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, नॉट द स्टेट इन विच गुड्स मैन्युफैक्चर। देखो अगर तमिलनाडु से मैन्युफैक्चर होके वो यूपी जा रहा है तो अब यूपी पे जीएसटी लगेगा। पहले क्या होता था, तमिलनाडु में टैक्स गुड्स बनाए ना तो तमिलनाडु वाले टैक्स बोलते थे कि भैया हमको टैक्स दो क्योंकि तुमने यहां प्रोड्यूस किया है। जीएसटी ये नहीं बोल रहा, जीएसटी क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन, यूपी गया ना यूपी वाले कलेक्ट करेंगे, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं अगली स्लाइड में आपको समझाने वाला हूं, तो इसको 2 मिनट होल्ड करना। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, कब आप रजिस्ट्रेशन वाले, मतलब कब आप पे जीएसटी, या फिर आपको कब ये जीएसटी वाले पॉलिसी में, ये जीएसटी वाले फ्रेमवर्क में कब आप आ जाओगे, अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर साल का
अगर हो रहा है 20 लाख से ज्यादा अदर स्टेट और 10 लाख से ज्यादा नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट अगर है तो फिर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट देखते हैं। मान के चलो जीएसटी और आउटपुट जो है वो है दोस्तों 500 रुपए। जो भी प्रोडक्ट है उस पर एक प्रोड्यूसर को या एक जो सेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है, उसे जो जो जीएसटी लगाना है आउटपुट पे वो 500 रुपए लगाना है। लेकिन अब ध्यान से समझना, उसने इस आउटपुट को बनाने के लिए इनपुट ए लिया है, इनपुट बी लिया है, इनपुट सी लिया है, तो इस इनपुट में उसको देना है 120, इस इनपुट पे वो जीएसटी पे कर चुका है 180, इस पे दे चुका है 100। अब ध्यान से समझो, वो ऑलरेडी जीएसटी पे कितना कर चुका है 400 रुपए। अब आउटपुट पे वो 500 रुपए और पे करने वाला है, तो नहीं भैया उसे 500 नहीं पे करना है, उसके जो इनपुट पे जो टैक्स लगा है वो उसे क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट मिल जाएगा मतलब इतने का उसको हो जाएगा फायदा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 400 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका है, तो उसे आउटपुट पे जीएसटी जो पे करना है वो कितना पे करना रहेगा? 100 रुपए। इसी सिस्टम को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। की फीचर्स डिस्कस करते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी है ना, वो दोस्तों होल कंट्री पे लगेगा। जो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विस पे। अब देखो क्या लिखा है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता था, सर्विस पे सर्विस टैक्स लगता था, सेल्स पे सेल्स टैक्स लगता था, वैल्यू एडिशन पे वैट लगता था, ये खत्म। कंजम्पशन आप खरीद रहे हो ना, कंजम्पशन कर रहे हो, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। अगला है जीएसटी ऑन इंपोर्ट्स। ध्यान से समझो क्या होता था अभी तक, सिस्टम यह था कि जो इंपोर्ट्स होंगे उसे हम कस्टम ड्यूटी के अंदर एप्लीकेबल करेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम कस्टम ये जो इंपोर्टेड गुड्स है उसका कंजम्पशन तो इंडिया में हो रहा है, और जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो जहां जो खरीदेगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये रही थी कि इसको टैक्स कैसे लगाएं, मतलब ये इसको आईजीएसटी लें, सीजीएसटी लें, क्या लें, समझ नहीं आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, जीएसटी ऑन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाईज, और उस पे अपार्ट फ्रॉम कस्टम जीएसटी लगेगा। जीएसटी रेट्स कितने हैं दोस्तों? 5, 12, 18, 20%, 28%। ये नॉर्मल से कुछ परसेंट है जीएसटी के। देखो अभी तक जो जीएसटी हमने कवर किया ये मैंने ओवरव्यू दिया है, जीएसटी से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन एक जीएसटी से रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें जीएसटी के जो ऑफिसर्स हैं, बेसिकली जो ऑफिसर्स होते हैं, सेंट्रल ऑफिसर कौन है, इसके अंदर कितने अलग टाइप के कंप्लाइंसेस हैं, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं। उसमें डीमोनेटाइजेशन, इनकम टैक्स, जीएसटी, इन सारों का एक मैं ऑफिसर से रिलेटेड, इनका जो होता है ना हायरार्की से रिलेटेड एक वीडियो अलग बनाऊंगा। यहां पे खत्म होता है दोस्तों डीमोनेटाइजेशन जो जीएसटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डे नंबर 20 में। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच।